नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित प्रधान सुनील कुमार राम की ऐतिहासिक जीत पर बोले, गांव का विकास ही लक्ष्य। बलिया बैरिया ब्लॉक की ग्राम सभा गोपालपुर से नवनिर्वाचित प्रधान सुनील कुमार राम हुए। आपको बता दें कि बहुमत से नवनिर्वाचित प्रधान सुनील कुमार राम की जीत हुई है और गोपालपुर गांव में जीत हासिल हुई है। नवनिर्वाचित प्रधान सुनील कुमार राम ने बताया कि गोपालपुर की एक अलग पहचान होगी। गांव की जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया, उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। सुनील कुमार राम प्रधान ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है, इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुँचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम सुनील कुमार राम है, मैं ग्राम सभा गोपालपुर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। ये पहली बार प्रधानी है? जी जी, पहली बार। चुनाव भी लड़े थे? जी जी जी। कितने वोटों से हार जीत हुई? जी हमें 1364 वोट मिले थे, जिसमें हम 956 वोट से हमने चुनाव जीता है। जी, बैरिया लगता है, यह बैरिया ब्लॉक में सबसे नंबर वन आप हैं। जी 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 जी। तो पहली बार आप उठे, पहली बार जीत आपकी ओर से हासिल हुई? जी जी जी। एक तरफा जनता ने आपको जीत हासिल नहीं किया, ऐतिहासिक जीत। जी जी। शायद आपके ग्राम सभा में आज तक तो कोई इतने वोटों से नहीं जीता? नहीं नहीं, इसके पहले हमारे ग्राम सभा में कोई इतने वोटों से नहीं जीता। जी, तो क्या अपने ग्राम सभा के लिए इस मौके पर कहेंगे? उनके लिए, उनके लिए कहेंगे भैया कि हमारे ग्राम सभा में अभी तक काम नहीं, कोई कहीं काम। आप खुद आए होंगे ढाले से चल के यहाँ तक, रास्ता की स्थिति क्या है आपने खुद देखा होगा, तो रास्ते की व्यवस्था सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ है, हमारा कटान क्षेत्र है ये, और यहाँ सबसे स्थिति यह है कि अभी एक बरसात हो जाए तो आप ढाले से इधर गांव में नहीं घुस सकते। जी, मतलब आपका क्या क्या उद्देश्य है, किस किन मुद्दे पर काम करना है आपको गांव में? मेरा उद्देश्य सर्वप्रथम रास्ता, शिक्षा, कटान रोधी कार्य जी, और जितने लोग पात्र हैं उनको सुविधाएं मिले जी। अब ये ना हो कि कॉलोनी है तो आए तो अपात्र के पास चली जाए, अब जिसका आवास उसी को आवास मिल जाए। जी, जनता ने जिस उम्मीद से आपको जिताई है, आप उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे 5 साल? जी जी जी। परंतु जो प्रधान चाहते हैं, हम ग्राम सभा में विकास करें, मतलब ये चीज करें, और धन की कमी आ जाती है। जी जी। हाँ, तो इसके लिए आप किसी व्यवस्था करेंगे? धन के लिए प्रयास होगा, यहाँ से नहीं होगा तो लखनऊ से किया जाएगा, दिल्ली से किया जाएगा, तो ब्लॉक के भरोसे ही नहीं रहेगा आदमी। जी, इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रधान होते हैं जो अपने सांसद, विधायक, मंत्री, ब्लॉक प्रमुख से भी व्यवस्था के धन लाते हैं। जी जी, तो ये सब व्यवस्था किया जाएगा। जी जी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके गांव में कोई व्यक्ति कोरोना से मौत हुई किसी के? जी, अभी तक तो पॉजिटिव रिपोर्ट किसी की नहीं आई, ऐसे शक के दायरे में है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट वही शक के दायरे में एक दो लोग हुई थी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी उनकी, शक था कि हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके गांव में, लॉकडाउन चल रहा था, भुखमरी के शिकार कोई था? जी जी हाँ, ऐसे आप 2019 से कटान में जो लोग पीड़ित हैं वो लोग बंधे पर रहते हैं, अचानक 12 बजे रात को एक दिन आग लग गई, वहाँ पे 6-7 लोग थे, वो लोग के थोड़ा भुखमरी के कगार पे थे, जो कि व्यवस्था कराया गया इधर उधर से। जी, जी, इस दौरान हमने भी सहयोग किया उनका। जी, इस दौरान ये कहा गया कोई भी व्यक्ति, किसी भी नगर हो चाहे ग्राम पंचायत हो, कोई भी भुखमरी की हालत में ना अगर प्रधान या स्थानीय लोग सहयोग करते हैं, ठीक है, नहीं तो सीधा डीएम, डीएम की व्यवस्था जिम्मेदारी दी गई, उनको भोजन देना दोनों टाइम। जी जी। क्या कोई आपके गांव में ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास रहने का कोई छत नहीं है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि कोई उनकी पहचान नहीं, इसी तरह आपके गांव में रहते हैं? रहने वाले छत तो भैया इस टाइम में 25-30 घर है सर, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं। जी, 25-30 घर हैं, जो आप आए होंगे बंधे पे देखे होंगे, जितनी भी झोपड़ी लगी है किसी के पास रहने का घर नहीं है। जी, सरकार ने जो राशन व्यवस्था की है तो उन्हीं को राशन मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड होगा? जी। तो क्या उनके पास राशन कार्ड नहीं है अभी? नहीं, राशन कार्ड तो है। जी। लेकिन जो आपने छत की बात की, तो उनके पास छत नहीं है रहने के लिए। अभी आप देखे होंगे जो आंधी तूफान आया था, जी, उसमें हमने अपने स्तर से तिरपाल की व्यवस्था की थी, लेकिन वो भी सही नहीं था, अब आंधी में कहाँ तिरपाल रुकेगा। जी, इसकी पहल आप शासन तक करेंगे, इसकी लिखित आप शिकायत करेंगे ऊपर तक? कर चुके हैं। जी।
जानना चाहते हैं अभी आपके ग्राम पंचायत में कितनी आबादी होगी? हमारे ग्राम पंचायत में 5300 आबादी है जी। आपके ग्राम पंचायत में क्या पंचायत भवन पूर्व में बना है? पंचायत भवन बना था लेकिन जर्जर है। और सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय बना है, अभी नया है, अभी खुला नहीं है जी। क्या कल्प कौन सा पूर्व प्रधान के द्वारा क्या विद्यालय कार्य हुए हैं? विद्यालय में तो हमने देखा कि टाइल वोल लगे हैं, विद्यालय का काम हुआ है लेकिन बाकी कोई रोड रास्ता का काम नहीं हुआ जी। मतलब रोड नाली सब कमी है, काम है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं चुनाव जीतने के बाद तमाम तरह के भेदभाव की मान्यता रखते हैं जी जी। वोटों को लेकर किसने मुझे वोट दिया किसने नहीं दिया जी जी। नहीं नहीं तो हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। क्या कभी आपका गांव मुख्यमंत्री समाज योजना में जुड़ा था कभी? ये जो हर साल जुड़ता है जी जी। मुख्यमंत्री हाँ जुड़ा था जी। क्या आपने कार्यकाल में क्या प्रयास करेंगे पुनः आपका गांव जुड़े? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्राम सभा को सुविधा मिले जी। हम प्रधान नहीं भी थे तो भी समाज सेवा पे के नाम पे जितने भी हमारे ग्राम सभा में हमने जहाँ भी दिक्कत देखा रास्तों का हमने वहाँ भी रास्ता बनवाया जी। आप प्रधान न रहते हुए अपने अपने ग्राम सभा में अच्छा काम किए जी। हर गांव में किए, हमारे गांव ग्राम सभा के अंदर 4-5 गांव आते हैं, कुछ तो गांव नदी में विलीन हो गए हैं और जो भी बचे हैं वहाँ भी जहाँ भी दुबे छपरा हो गया, प्रसाद छपरा हो गया, उदय छपरा हो गया, जहाँ भी रास्ते का नाली अब नाली ढकी नहीं है तो हमने नाली भी ढकवाया है, जितना हो सकता है। आपके बाहर क्षेत्र में आता है गांव, कितनी दिक्कतें का सामना करनी पड़ती होगी? दिक्कतों की भैया पानी आ जाने के बाद यहाँ पे ढाले पे जाने का कोई एक सिर्फ एक सहारा नाव है, बाकी ऐसे तो पानी ज्यादा रहता है यहाँ पे जी। और नदी बगल में देखी रहे अपने तो। मेरे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांगे, कुछ करेंगे? सरकार से यही मांग है कि कटान का अस्थायी निदान हो और फिर जैसे पहले बिरला बंधा बना था फिर बिरला बंधा बने,